बड़ी खबर सामने आ रही है जो संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का 26वां दिन है। आज संविदा कर्मचारियों को कई संगठनों का समर्थन भी मिल चुका है। अखिल भारतीय किसान महासंघ, क्रांति सेना का भी सहयोग मिला है। इसमें लगने के बाद भी कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार देखा जा रहा है, लेकिन आज 26वां दिन है। आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जिनका समर्थन संविदा कर्मचारियों को लगातार मिलता जा रहा है, लेकिन इसमें लगने के बाद भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। तो अखिल भारतीय किसान महासंघ और साथ ही क्रांति सेना को भी यहां पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी नेहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, संविदा कर्मचारी पिछले 25 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, आज 26वां दिन है। सहयोग देखिए अलग अलग संगठन से मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हल निकलना है, क्यों नहीं निकल पा रहा है, इसकी क्या वजह निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर से लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी हैं, जो जिनकी सिर्फ एकमात्र मांग है नियमितीकरण की मांग है, और उसी को लेकर के लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राहत भरी खबर यहाँ पर यह माना जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इस पर जो है एक्शन लिया गया है और सभी विभागों के जो कर्मचारियों की लिस्ट है वो यहाँ पर जो नियुक्ति 2018 से लेकर के 2019 और पूरे जो 15 सालों का जो रिकॉर्ड है वो संबंधित विभाग ने जो है वो रिकॉर्ड मंगवाया है। तो यहाँ पर राहत भरी खबर ये है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है, और नियमितीकरण की मांग को लेकर के जो है कल कृषि मंत्री हैं रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे का जो बयान है वो भी सामने आया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। तो इधर सरकार अपना काम कर रही है और दूसरी तरफ जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर के फिलहाल आंदोलन पर डटे हुए हैं। और ये नियमितीकरण की मांग सरकार ने घोषणा की है। आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।